आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली के महिंद्रा पार्क थाना इलाके में तेजस्विनी स्टाफ द्वारा दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, जिनके पास से पुलिस ने दो बटन चाकू, एक लूटी हुई स्कूटी की बरामद। आरोपी आदतन अपराधी हैं और पहले भी कई आपराधिक वारदातों में शामिल हैं। आज पुलिस ने मीडिया को जानकारी साझा करते हुए बताया कि 6 जुलाई को रात करीब 9:30 बजे महिंद्रा पार्क थाना पुलिस द्वारा बिग पार्क के पास DDA फ्लैट जहांगीरपुरी में पेट्रोलिंग की जा रही थी। तभी पुलिस ने देखा कि एक संदिग्ध व्यक्ति, जो कि पुलिस को देखकर यू टर्न लेकर भागने लगा। सभी तेजस्विनी स्टाफ द्वारा सतर्कता दिखाते हुए उसको धर दबोचा। आरोपी की पहचान राहुल के रूप में हुई। तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके पास से एक बटन चाकू बरामद किया। पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए वह इलाके में घूम रहा था। वहीं दूसरी तरफ 3 जुलाई को महिंद्रा पार्क थाना पुलिस NDPL ऑफिस DDA फ्लैट जहांगीरपुरी में पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी पुलिस ने देखा कि एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस स्टाफ को देखकर स्कूटी पर यू टर्न लेकर भागने की कोशिश करने लगा। तभी पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए उसका पीछा किया और उसे धर दबोचा। आरोपी की पहचान निकेश के रूप में हुई। तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके पास से एक बटन चाकू और एक लूटी हुई स्कूटी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश लगातार जारी है। दिल्ली से न्यूज 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।